हमारी सरकार इन प्राकृतिक संसाधनों को और अधिक विकसित करने के पर्यटकों को यह आकर्षक बनाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में 2023-24 में था 537 बांस रोपण एवं 21,555 मानक बोरा तेंदू पत्ता संग्रहण का कार्य किया गया है। तेंदू पत्ता संग्रहण परिश्रमिक दर रुपये 3,000 से बढ़ाकर 4,000 प्रति मानक बोरा की 4,000 प्रति मानक बोरा किया गया। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 221 वन धन केंद्रों के विरुद्ध टाइप रेट से 57 केंद्रों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इन केंद्रों के माध्यम से लघु वनोपज का प्रसंस्करण एवं संवर्धन हो सकेगा, जिससे स्व सहायता समूह की आय में वृद्धि होगी। हमारी सरकार का प्रयास है कि विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, जिससे वर्ष 2070 तक नेट जीरो के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश अपना समुचित योगदान दे सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश में जन सहयोग से एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत इंदौर जिले में 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है। 51 लाख पौधे इंदौर में पर्यावरण के लिए 224-25 में रुपये 4,725 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि 23-24 से रुपये 782 करोड़ अधिक है। संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व प्रदेश के विभिन्न सांस्कृतिक समूहों को राज्य शासन द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन समूह द्वारा प्रदेश व देश के विभिन्न स्थलों तथा विदेशों में भी अपनी उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन कर प्रदेश का सम्मान बढ़ाया गया। प्रदेश में अद्वैत वेदांत दर्शन के लोक व्यापीकरण के उद्देश्य से ओंकारेश्वर को एकात्मता के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। एकात्म धाम प्रकल्प के अंतर्गत अद्वैत लोक में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही आचार्य शंकर के जीवन दर्शन पर आधारित संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की जा रही है। उज्जैन में आध्यात्मिक सांस्कृतिक विकास अभिमुख समागम विक्रमोत्सव का आयोजन 29 फरवरी 2024 से 9 अप्रैल 2024 की अवधि में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया गया। हमारी सरकार द्वारा युगकालीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता का संग्रहालय वीर भारत न्यास स्थापित किया जा रहा है। वीर भारत संग्रहालय की स्थापना के माध्यम से भारत की सभ्यता के संरक्षकों के योगदान को सहेजने के ऐतिहासिक कार्य में मध्य प्रदेश ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। यह देश और दुनिया का अपनी तरह का पहला संग्रहालय होगा। बोलो भारत माता की। भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान प्रदेश के विभिन्न संस्थानों से पथ गमन किया। हमारी सरकार का यह संकल्प है कि राज्य की सीमाओं के अंतर्गत राम पथ गमन के अंचलों के विभिन्न स्थलों को चिन्हांकित कर उनका विकास किया जाएगा। बोले राघवेंद्र सरकार की। हमारा प्रदेश धन्य है कि भगवान श्री कृष्ण के युग परिवर्तनकारी संदेशों से उपकृत रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्री कृष्ण पाथे योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में श्री कृष्ण पथ के पुनरावेशन और संबंधित क्षेत्रों के साहित्य संस्कृति तथा संस्कार का संरक्षण। बोले गिरिराज धरने की। प्रदेश में विभिन्न स्थलों पर स्थापित प्राचीन मंदिरों को संरक्षित करने हेतु हमारी सरकार कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत 7,80,765 वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग अथवा वायुयान से विभिन्न धार्मिक स्थलों की निशुल्क यात्रा कराई गई। इस योजना हेतु 2024-25 में रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी योजना है। संस्कृति विभाग के लिए रुपये 1,081 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 23-24 के व्यय में से 2.5 गुना है। पर्यटन सुविधाएं हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश ने सदैव अतिथि देवभाव के संस्कारों का परिपोषण किया है।
प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हमारा प्रदेश सदियों से अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, शिल्प कला, दर्शनीय स्थल एवं विविध अन्य वन्य जीवन के लिए दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र। वर्ष 23 में मध्य प्रदेश के 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ है, जो कि एक कीर्तिमान है। हमारी सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ग्रामीण संस्कृति एवं ग्राम जीवन के अनुभव, साहसिक पर्यटन, जल पर्यटन एवं पर्यटन अधोसंरचनाओं को विकसित कर रही है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक हवाई सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने हेतु पीएम श्री एली एवं वायु पर्यटन सेवा प्रारंभ की गई है। बहुत अच्छी योजना है। साथ ही कम दरों पर विमान सेवा उपलब्ध कराने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत देश के महत्वपूर्ण नगरों में के मध्य संचालित विमान सेवा को विस्तारित किया जाएगा। प्रदेश में विमानन अधोसंरचना को भी विस्तारित किया जा रहा है। वर्ष 24-25 में पर्यटन सुविधाओं हेतु रुपये 666 करोड़ का बजट प्रावधान। कहाँ से ला रहे हो यार इतना माल, ये तो बताओ। 24 से रुपये 100 करोड़ अधिक है। संस्थागत दिनांक 1 जुलाई 24 से 3 नए कानून क्रमशः भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभावशील हुए हैं। इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस बल को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। नवीन कानूनों के निर्माण एवं इनके क्रियान्वयन के प्रयासों पर यह सदन हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता है। पुलिस कर्मियों की आवास समस्या से हल करने के लिए मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण किया जा रहा है। योजना अंतर्गत वर्ष 24-25 में रुपये 367 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लगभग 7,500 नवीन भर्ती की कार्रवाई अंतिम चरण में है। नवीन भर्ती होने से पुलिस बल को और अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा। गृह विभाग के लिए वर्ष 24-25 में रुपये 11,292 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, जो कि गत वर्ष 23-24 से रुपये 1,000 करोड़ अधिक है। हमारी सरकार जेलों के लिए सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी अधिनियम के 24 का लाल आ रही है। नवीन अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाए गए मॉडल प्रिजन एक्ट के तर्ज पर तैयार किया गया है। नवीन अधिनियम में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। हमारी सरकार कैदियों के कल्याण के लिए भी संवेदनशील रही है। कुशल एवं अकुशल तथा कृषि कार्य में लगे कैदियों की पारिश्रमिक दरें क्रमशः रुपये 120 प्रति दिवस एवं रुपये 72 प्रति आधा दिवस को बढ़ाकर क्रमशः रुपये 154 प्रति दिवस एवं रुपये 92 प्रति आधा दिवस की गई है। कैदियों के खाद्यान्न की गुणवत्ता में वृद्धि के उद्देश्य से वर्तमान प्रावधान में रुपये 25 करोड़ की वृद्धि की गई है। हमारी सरकार ऐसे गरीब कैदी जो जुर्माना अर्थदंड नहीं भर पाने के लिए के कारण जेल में सजा काट रहे हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ऐसे बंदियों के जुर्माना एवं दंड भरेगी। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा सरकार इस वर्ष के से गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता की नवीन योजना प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश के श्रमिक वर्ग की खुशहाली तथा उनके उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमारी सरकार द्वारा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित में कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रसूति सहायता, शिक्षा, चिकित्सा, विवाह, अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता आदि को संचालित किया जा रहा है। इन योजनाओं में योजना प्रारंभ से 61,84,000 हितग्राहियों को लगभग रुपये 9,246 करोड़ के हित लाभ प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबंध योजना के अंतर्गत 1,67,00,000 से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीयन है, जिन्हें योजना अंतर्गत पात्रता अनुसार हित लाभ दिए जा रहे हैं। वर्ष 24-25 के बजट में संबल योजना अंतर्गत रुपये 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। राजस्व विभाग द्वारा लंबित राजस्व प्रकरण, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख, दुरस्ती, नक्शे पर तरमीम के निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सुशासन की सोच से प्रेरित होकर राजस्व महाअभियान का आयोजन 15 जनवरी 24 से 10 मार्च 24 तक के अवधि में किया गया है। राज्य जिला स्तर पर प्रतिदिन प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु राजस्व महाअभियान
डैशबोर्ड बनाया गया है। अभियान के अवधि में 30 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। राज्य की प्रशासनिक इकाइयों के परिसीमन एवं युक्तियुक्तकरण मार्गदर्शी सिद्धांतों को निर्धारित करने हेतु मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन किया जा रहा है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जन अपेक्षाओं के आधार पर और अधिक जनोन्मुखी व सुलभ प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन से के संबंध में इस आयोग का द्वारा अनुशंसाएं की जाएगी। डिजिटल क्राफ्ट सर्वेक्षण परियोजना के अंतर्गत ग्राम में उपलब्ध स्थानीय युवा के माध्यम से नवीन तकनीकी जियो फेस का उपयोग कर प्रत्येक खसरे की फसल गिरदावरी कराई जाएगी। सदन को अवगत कराते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि भारत सरकार खान मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2024 को नेशनल माइनिंग कॉन्क्लेव में खनिज क्षेत्र में सर्वाधिक मुख्य खनिज ब्लॉक की नीलामी का कार्य किए जाने के लिए खनिज साधन विभाग मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारी सरकार ने खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए 40 इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट मानव रहित स्थापित करने की परियोजना स्वीकृत की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भोपाल जिले में 3 तथा रायसेन जिले में 1 स्थान पर 6 गेट अगस्त माह में के अंत तक स्थापित कर लिया जाएगा। इस वर्ष के अंत तक परियोजना को तानाशाही। इसके साथ ही प्रदेश में भाजपा तेरी तानाशाही उपग्रह और ड्रोन आधारित परियोजना भी प्रारंभ की गई है, जिससे प्रदेश की घोटाले माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है खदानों की युवाओं की बात सुने। प्रदेश के युवाओं की बात है, हमारी प्रदेश के युवा आपकी ओर देख रहे हैं। जो आप मंत्रिमंडल में संचालन रख रहे हैं, क्या आपसे ज्यादा भारी है माननीय मुख्यमंत्री जी? मैं कहना चाहूंगा क्या आप विश्वास आपसे ज्यादा भारी है? क्रांतिकारी करने का क्रांतिकारी सारी मंत्री को आप क्यों अपने मंत्रिमंडल में रख रहे हैं? आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जांच कराए, शासकीय सेवक कल्याण विधायकों की सर्वदलीय कमेटी बना के जांच कराए, तत्काल मंत्री को बर्खास्त करें। विश्वास सारंग को मेरा आपसे अनुरोध है, प्रदेश के युवाओं के बारे में सोचे। आपको नरेंद्र मोदी अमित शाह ने विशेष रूप से जवाबदारी दी है, क्या आप सारी मंत्री वो रखना चाहेंगे? इसकी सेवा पूर्ण ऊर्जा निष्ठा व समर्पण से न्याय दो, न्याय दो। राष्ट्रीय पेंशन योजना के निवेश के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पुरानी पेंशन योजना के सदस्यों के लिए लागू पेंशन को भी अधिक व्यवहारिक और सहज बनाया जाकर पेंशन स्वीकृत एवं भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा रहा है। विगत कुछ वर्षों से शासकीय सेवकों की पदोन्नति की प्रक्रिया बाधित रहने से शासकीय सेवकों को वित्तीय हानि न हो, इस दृष्टि से पूर्व से लागू 3 उच्च वेतनमान दिए जाने की योजना को और विस्तारित कर 31 वर्ष की सेवा उपरांत 4th उच्च वेतनमान की योजना की लागू की गई है। मैंने अपने पिछले बजट भाषण में उल्लेख किया था कि शासकीय सेवकों को देय भत्तों का 7वां वेतनमान में पुनरीक्षित के लिए समिति का गठन किया गया है। इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, जिस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। राज्य के शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र जारी करने की ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिससे शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्त पर उनकी सामान्य भविष्य निधि की राशि का भुगतान त्वरित रूप से हो सकेगा। गत वर्ष के बजट की तरह इस वर्ष में भी नवीन आधारोपित अथवा किसी भी प्रकार का कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। पेट्रोल के डीजल के भाव कम करेंगे? हमारी सरकार डीजल के भाव कम, हमारी सरकार ऐसे बुजुर्ग उनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं तथा उनके पास आवास की पर्याप्त सुविधा नहीं है, ऐसे बुजुर्गों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना लाएगी। गत वर्ष के बजट की तरह इस बजट में भी कोई नवीन करारों भी अधिक करने किसी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। पुनरीक्षित अनुमान 2023 का 23-24 पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹2,31,733 करोड़ तथा राजस्व व्यय ₹2,31,733 करोड़
112 करोड़ अनुमानित है। राजस्व आधिक्य का पुनरीक्षित अनुमान रुपये 621 करोड़। माननीय प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं, केंद्रीय करों से हिस्से के रूप में बजट अनुमान की तुलना में रुपये 6519 करोड़ की राशि अधिक प्राप्त हुई है। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान 54450 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.7% मात्र 3.6। बहुत बढ़िया बात। वर्ष 2024-25 के कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान 263,344 करोड़ है। राज्य प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां 1,02,97 करोड़ तथा केंद्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां 95,753 करोड़ अनुमानित है। कर विभिन्न राजस्व प्राप्तियां 20,603 करोड़। मेरा आपसे अनुरोध है, केंद्र सरकार की सहायता अनुदान झूठी बात करी, सदन को गुमराह किया। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सर्वदलीय कमेटी जांच कराए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश के श्रम के कर राजस्व एवं राजस्व में 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 30% अधिक अनुमान है। ये मेरा आपसे अनुरोध है, राजस्व प्राप्तियों का वर्ष 23-24 का बजट अनुमान 2,25,710 करोड़ रहा, जिसमें 37,634 करोड़ की वृद्धि। सरकार तानाशाही हो गई है। 2024-25 के लिए 263,344 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कुल व्यय वर्ष 24-25 के लिए कुल विनियोग की राशि 3,65,000। कमाल है, कमाल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बजट इतिहास का। राजस्व व्यय 66,000। 261,644 करोड़। पूंजीगत परिव्यय 64,738 करोड़ प्रस्तावित है। सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए वर्ष 24-25 के लिए समग्र रूप से बजट अनुमान 1,74,376 करोड़ है। विभागवार बजट अनुमान खंड एक में उपलब्ध है। वर्ष 23-24 का कुल व्यय बजट अनुमान 281,554 करोड़ का है, जिसमें 44,829 करोड़ की वृद्धि कर वर्ष 2024-25 के लिए 3,26,383 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 24-25 की कुल प्राप्तियां 3,30,193 करोड़ तथा कुल व्यय 3,26,383 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन देन 3,810 करोड़ है एवं अंतिम शेष 92 करोड़ का अनुमान है। शुद्ध लेन देन के लिए वर्ष 23-24 का बजट अनुमान 107 करोड़ का है। वर्ष 24-25 के लिए 3,810 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा 3% प्रस्तावित है एवं ऊर्जा क्षेत्र में अपेक्षित कतिपय सुधारों के करने पर अतिरिक्त 0.5% की सीमा स्वीकृत की जा सकेगी। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी सुधार निर्धारित किए जाएंगे उसे हम पूरा कर यह अतिरिक्त सीमा की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। उपरोक्त को ध्यान में रखकर बजट अनुमान तैयार किया गया है। वर्ष 23-24 के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष पूंजीगत सहायता योजना में रुपये 9,500 करोड़, 50 वर्षीय दीर्घकालीन ब्याज रहित ऋण सहायता प्राप्त होने का अनुमान है। यह ऋण सहायता राजकोषीय घाटे की सीमा से पृथक है। वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटा 62,564 करोड़ अनुमानित है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.11% अनुमानित है। इस वर्ष 1,700 करोड़ का राजस्व अधिक अनुमानित है। यह एक मान्यता है कि बजट महज आंकड़ों का ही खेल है, परंतु हमारी सरकार के बजट के आंकड़ों की सत्यता व सफलता प्रदेश की जनता की जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन, उनके चेहरे पर संतोष व सुकून की आभा में दिखता है। मैं यह बताना चाहूंगा कि बजट को तैयार करना पक्षियों द्वारा घोंसला बनाने की प्रक्रिया जैसा है। वह ढेर सारे तिनकों बहुत सारी मेहनत और अखंडित लगन से बनाती है एक घोंसला, जिसमें वह पालती है अपने नौनिहालों को और मांगती है दुआ की उसके अपने बच्चे सुरक्षित रहे, सुख से रहे।
सकारात्मक ऊर्जा में अनुप्रमाणित यह बजट प्रदेश की जनता को समर्पित है। बजट में बहुमुखी विकास की तड़प है, संकल्प है, विकास का विश्वास है, सदा सहायता समरसता की अनुभूति है, आध्यात्मिकता है, प्रगति की निरंतर निर्बाध धारा है। मेरा अनुरोध है कि आए हम सभी बजट प्रस्तावों का समर्थन करें, स्वागत करें, बजट मंथन से निकले अमृत का सदुपयोग कर प्रदेश को संपूर्ण रूप से विकसित होने में भागीदार बने। महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिपरिषद के साथियों, माननीय विधायकों, उद्योग व व्यवसाय जगत के महानुभावों, अर्थशास्त्रियों का आभारी हूं, जिनके परामर्श से बजट को विकासोन्मुख तथा कल्याणकारी स्वरूप दिया जा सका है। मैं वित्त विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आभारी हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम प्रतिबद्धता से बजट को तैयार कर प्रस्तुत करने में सहयोग किया है। महोदय, मैं हमारी सरकार के बजट प्रस्तावों को प्रदेश के लिए कामना के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। हर दिन सुदिन, हर मास मधुमास हो, हर घड़ी हर पल हृदय में परम हर्ष उल्लास हो, जिंदगी प्यार से भरी हो, परस्पर स्नेह हो, सद्भाव हो, हर कदम पर नई आशा नया विश्वास हो। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन ये कर रहा था, आज जो विपक्ष की स्थिति थी अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही निंदनीय है। कल आपने, मैं फिर आज इसको दोहरा रहा हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा ध्यानाकर्षण के माध्यम से पूरा अवसर दिया, पूरी चर्चा हुई, उसके बाद आज बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस प्रकार का कृत्य करना, मैं समझता हूं बहुत निंदनीय है। और मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष के इस कृत्य पर निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। यदि आप अनुमति दें तो हम सब ये सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय प्रहलाद जी। अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 250 देवड़ा जी ऐसी संदर्भ में उल्लेख कर रहा हूं, जिसमें कंडिका 2 और 9 इसमें स्पष्ट है कि किसी के भाषण के दौरान ऐसा व्यवधान नहीं हो सकता, लेकिन जब बजट पेश हो रहा हो उस समय जो व्यवहार है ये औचित्य का प्रश्न भी उठाता है, जो 267 का में भी है और उसके आगे भी है। मुझे लगता है कि मंत्री होने के नाते शायद औचित्य का प्रश्न मैं नहीं उठा सकता, कोई माननीय सदस्य उठा सकता है, लेकिन औचित्य का प्रश्न आता है। और मुझे लगता है कि निंदा प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है वो कठोर हो सकता है, जो विवेक आपके विवेक पर मैं समझता हूं कि छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन औचित्य का प्रश्न हमारे किसी माननीय सदस्य को जरूर उठाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां न बने। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर प्रतिपक्ष यहां पर होता तो मैं मानता कि कम से कम उनके सामने भी ये बात आनी चाहिए कि संसदीय नियम हमारे जो बने हुए हैं अगर उनका पालन नहीं होगा तो हम शायद बहुत बेहतर परिणाम नहीं दे सकते। मैं मानता हूं कि उनकी अनुपस्थिति है, इसलिए आपके विवेक पर जरूर हम छोड़ते हैं, लेकिन मैं सदन से आग्रह करता हूं कि कोई ना कोई माननीय सदस्य औचित्य का प्रश्न उठाए ताकि हम उस समय सीमा के भीतर चर्चा कर सके कितने महत्वपूर्ण विषयों पर, जहां पर इतना बेहतरीन बजट आया है कि शायद मध्य प्रदेश का सबसे पहली बार इतने बड़े स्पान का बजट आया हो, उस पर अगर बेहतर तरीके से सुनते तो शायद सबका भी भला होता। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। श्री देवड़ा जी। प्याज के कुचक्र से बाहर आकर के अपने परिश्रम से और ईमानदारी से जो रेहड़ी पटरी वालों को बैंकों से लोन मिले हैं वे लगातार, बैंक वाले भी खुश हैं, लेने वाले भी खुश हैं, और जो कल फुटपाथ पर रेहड़ी बैठता था आज एक छोटी दुकान दिशा में बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो पहले खुद मजदूरी करता था आज एकाध दो को रोजगार देने की दिशा में काम कर रहा है। और यही कारण है कि गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, महिला हो, उन्होंने हमारा भारी समर्थन किया है। आदरणीय सभापति जी,
हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। दुनिया के प्रगतिशील देशों के लिए भी विमेन डेवलपमेंट तो बहुत स्वाभाविक स्वीकार करते हैं, लेकिन विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनके भी उत्साह में थोड़ी कमी नजर आती है। ऐसे समय भारत ने नारा नहीं निष्ठा के साथ विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाए और महिला सशक्तिकरण का लाभ आज दिख रहा है, हर क्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं आदरणीय सांसद सुधा मूर्ति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने चर्चा में महिलाओं के आरोग्य के विषय पर बल दिया था और उसका महात्म्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उस पर बड़े विस्तार से उन्होंने कहा था। और आप उन्होंने एक बात ये भी बड़ी इमोशनल बताई थी कि मां अगर चली गई तो उसका कोई उपाय नहीं। एक प्रायोरिटी सेक्टर के लिए आपने काम किया है आदरणीय सभापति जी, टॉयलेट हो, सैनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो और इसका फायदा हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है। आदरणीय सभापति जी, आरोग्य के साथ साथ महिलाएं आत्मनिर्भर बने उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। बीते वर्षों में हमने जो 4 करोड़ घर बनाए हैं उसमें से ज्यादातर घर हमने महिलाओं के नाम पर रखे। बैंकों में खाते खुलने से मुद्रा और सुकन्या समृद्धि जैसी योजना से आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ी है, भागीदारी भी बढ़ी है और एक प्रकार से वो परिवार में भी अब निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनने लगी है। आदरणीय सभापति जी, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उससे जुड़ी 10 करोड़ बहनें, उनका आत्मविश्वास तो बढ़ा ही बढ़ा है, उनकी आय भी बढ़ी है। अभी तक 1 करोड़ बहनें जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, छोटा छोटा गांव में कारोबार करती है, मिलकर के करती है, किसी गांव वालों की भी नजर नहीं जाती इनकी तरफ। आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि उन्हीं में से 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी और हम आने वाले समय में ये आंकड़ा 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदार बनाने की दिशा में बढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, सरकार का प्रयास है कि हर नए सेक्टर को हमारी महिलाएं लीड करें, वो अगुवाई करें, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी आती है लेकिन महिलाओं के नसीब बहुत बहुत आखिर में आती है। हमारी कोशिश है कि नई टेक्नोलॉजी का पहला अवसर हमारी महिलाओं के हाथ लगे और वे इसको और इसी के तहत नमो ड्रोन दीदी ये अभियान बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है और आज गांव में किसानों को मदद करने का टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम गांव की हमारी महिलाएं कर रही है। और मैं जब उनसे बात कर रहा तो मुझे कह रही है, अरे साहब, हम लोग कभी साइकिल भी नहीं चलाना जानते थे, आपने हमें पायलट बना दिया है और पूरा गांव हमें पायलट दीदी के नाम से जानने लगा। और इस गरिमापूर्ण बात उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है, एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। आदरणीय सभापति जी, देश का दुर्भाग्य है
कैसे संवेदनशील मामलों में भी राजनीति जब होती है तब देशवासियों को और विशेषकर महिलाओं को अकल्प पीड़ा होती है। ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है आदरणीय सभा। लेकिन कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा, वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। वीडियो बनाने